हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्यूलिप सिल्वर। ये सिल्वर हम 2-3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करती है। तो इसके लिए मैं 22 इंच की स्क्वायर साइज की 2 फैब्रिक का पीस लिया है। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले इसके बॉटम पार्ट में हल्का सा इस तरह राउंड शेप देंगे। इसके बाद सलवार के लेंथ 16 इंच में मार्क करेंगे। बेल्ट में 2 इंच जाएंगे तो सलवार के टोटल लेंथ 18 इंच से 2 इंच माइनस कर दी है। अब इसके सेंटर से राउंड शेप में मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर बीच में 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह दोनों साइड बराबर में रखते हुए, तो इसके बाद आसन के लिए 6.5 इंच में मार्क करेंगे यहाँ पर। तो आसन की मेजरमेंट के लिए हिप लेंथ को 4 से डिवाइड करके 1.5 इंच प्लस करनी है। ये मैंने मार्क कर ली है। अब यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब इसमें काट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे काट कर लिया है। अब दोनों साइड से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम दोनों पार्ट के राइट साइड आमने सामने रखेंगे और आसान को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए आसान जॉइन कर लिया है। इसके बाद इस तरह से दोनों साइड बराबर में रखते हुए हम सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बॉटम पार्ट में इतना ओपन रखेंगे। इसके लिए हम बॉटम पार्ट में एक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है। ये लेस हम जहाँ से मार्क किया है वहाँ से अटैच करेंगे। ये देखिए लेस मैंने अटैच कर ली है दोनों साइड में। तो अब हम ऊपर से इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है नीचे वाला पार्ट छोड़ते हुए। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पे बेल अटैच करेंगे। ये बेल मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो बेल की लेंथ के लिए वेस्ट लेंथ के साथ 4 इंच प्लस करनी है।
तो बेल की लेंथ ली है 24 इंच और विड्थ ली है 5 इंच। अब इलास्टिक लगाने के लिए बेल फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सिलाई में जाने के बाद 2 इंच में बच जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्जिन कर ली है। नीचे वाला 1/2 इंच लाइन में जाएगी। अब यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट डालेंगे आसन की तरफ मुख रखते हुए इस तरह से। तो इस तरह बैक साइड में भी प्लेट डालेंगे आसन की तरफ से। मैंने पिन की हेल्प से सेंटर मिला लेंगे। इस तरह पिन लगाने से प्लेट डालने में और सिलाई में इजी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने छोटी छोटी प्लेट ले ली है। अब यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे। यहाँ पर इतना पोर्शन मैंने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए रखा है। कमर की मेजरमेंट से 3 इंच माइनस करके इलास्टिक का मेजरमेंट लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 17 इंच ली है 20 इंच से 3 माइनस करके। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी ट्यूलिप सलवार फाइनली रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।